में विकास नहीं हो रहे, आप पार्षद है क्या कहेंगे? देखो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एक हफ्ता पहले हम डीएफसी साहब से मिलने के लिए गए थे, काम को देखते हुए। मैं यहाँ काम कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ एक ही काम हो रहा है, एनओसी एनओसी एनओसी। भाई एनओसी से हम वार्ड में जाते, जनता मांगती काम। भाई हम जनप्रतिनिधि है, जिस विश्वास के तौर पर वोट दिए है वो काम भी मांगती जनता। जैसे डोर टू डोर का टेंडर नहीं हो रहा, हमने उसके लिए अवगत करवाया। एक हमारे वार्ड के पेच वर्क का टेंडर हुआ था, आज तक पेच वर्क नहीं हुआ हमारे वार्ड में। और दूसरी समस्या, मैंने डीएम साहब को ये कहा था, सर ये काम करते अधिकारी ठीक है, एनओसी भी करो साथ साथ में विकास कार्य भी करो। अगर ये विकास कार्य के एस्टीमेट नहीं बढ़ाते तो मैं तो ये विश्वास दिला दूं जी आम जनता के साथ हूँ, मैं ताला लगाने में सबसे पहले आगे मिलूंगा। मतलब आप नगर पालिका को ताला लगाने की बात कर रहे हैं? मैं ऑफिसों में जो अधिकारी बैठते काम नहीं करेंगे तो भाई आने की जरूरत क्या है? दरअसल में काम ही नहीं करेंगे तो भाई आने की जरूरत क्या है? जनता इनसे सवाल नहीं पूछती, हमसे सवाल करती है कुछ करवाओगे नहीं करवाओगे, हम कहीं भी जाए अरे कुछ करोगे नहीं करोगे, बस जनता का ये सवाल है। बताओ हम क्या जवाब दें? हम काम के लिए एक्टिव हैं, काम करना चाहते हैं, हमारे सभी प्रस्ताव पास है। भाई ये नहीं, हमारा कोई प्रस्ताव पास नहीं है। प्रस्ताव पास होने के बावजूद तुम एस्टिमेट क्यों नहीं बना रहे? भाई कहाँ पीड़ा आ रही, कहाँ आपत्ति आ रही, हमें बताओ, हम आपका सहयोग करेंगे। तो भाई कहाँ रुकावट मानते हैं? रुकावट तो जिनके मन की रुकावट है। एक डेढ़ महीने पहले हम यहाँ एम ई वाले कमरे में बैठे थे, हमने अवगत कराया जी 11,000 रोड जरूरी बना दो। 11,000 रोड का बाजार बहुत जरूरी है, बहुत टूटा फूटा रोड पड़ा, लोगों को चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। हमने यहाँ कहा तो जी साहब वहाँ बैठे हुए थे, मैं बोले जी रोड को काम एस्टिमेट बना के करो जी कार्रवाई। बोले जी 2 साल से लोगों के कोई हालात नहीं बिगड़े, तो 1.5 महीने में क्या गर्मी के हालात देखो, गर्मी के बाद इसका 2 महीने बाद एस्टिमेट बनाएंगे, बताइए कोई जवाब हुआ? जी का कहना जी 2 महीने बाद फिर से आचार संहिता आ जाएगी और साथ में बारिश की भी संभावना है। मैं तो सरकार से यही गुहार लगाता हूँ, देखो जी या तो हमारे शहर में काम कराओ, नहीं ये विधानसभा की सीट तो कहाँ भूल जाओ, ये बीजेपी के पक्ष में जाएगी। हम पूरा खुलकर विरोध करेंगे। और रही दूसरी, मैं मेरे मोहल्ले की बेटा बताता हूँ, डीएमसी साहब को मैंने मेरे मोहल्ले के बारे में अवगत करवाया और जी साहब का मैं सीधे को जवाब किया था जी साहब का। आप ये बताओ नगर पालिका के रिकॉर्ड में 44 नंबर सीट पे हमारा पुराना मोहल्ला है, मोहल्ला खटीकार मेरा जो वार्ड आता है, पुरानी आबादी दे है, 100-200 साल पुरानी बस्ती है, जब ये कॉलोनियाँ भी नहीं बनी थी उसमें हमारा लाल दौरे में आता था नगर पालिका की सीट। अब इन्होंने क्या करा कि 6 महीने 10-1 साल पहले इन्होंने उस मोहल्ले को लाल दौरा मुक्त करवा दिया, अनप्रूव्ड एरिया कर दिया। और फिर मैंने पूछा, मैंने डीएमसी को सीट लेके गया था नगर पालिका, मैंने सीट भी दिखाई, मोलजी ये देखो ये मोहल्ला रहे ना रोड रहा और इसको लाल दौरा मुक्त कैसे कर दिया? तो जी साहब ने ये जवाब दिया कि पहले ऑफलाइन काम था, अब ऑनलाइन काम होगा, ऑनलाइन के आधार पर ये लाल दौरा मुक्त हो गया है नहीं। तो मुझे ये बताओ कोई भी कार्य होगा जो पुराना रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के आधार पर तो काम होगा सारा, ऑनलाइन भी होगा। तो पहले पुराने रिकॉर्ड को ऑनलाइन करो जो जिस तरह चल रहा है उसी को, बाकी जो क्षेत्र नगर पालिका का बढ़ता है उसके में छेड़खानी करो, रूड है वो देखो आप। तो पुराने रिकॉर्ड से छेड़खानी क्यों की जा रही है? अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो जो मैं बीपीएल कार्ड किसी वार्ड से लगा के कार्रवाई करूंगा, कोर्ट में कार्रवाई करूंगा नगर पालिका के खिलाफ। ये मेरे मुझे ये नजरअंदाज क्यों की जा रही है? अभी आप कह रहे थे कि नगर पालिका को ताला लगा देंगे, तो क्या टाइम लिमिट निर्धारित किया, कब लगाएंगे? डीएमसी साहब ने ये अवगत कराया था बुधवार तक आएंगे, जब हमें वहाँ बैठे थे जेई साहब से पूछा एस्टिमेट कब नहीं बना, तो जेई साहब ने डीएमसी साहब के सामने सोमवार तक का टाइम दिया सभी रोड का, हमने जो जितने रोड दिए थे। और डीएमसी साहब बोले भाई देखो कब की मीटिंग करने को, डीएमसी साहब ने बुधवार की मीटिंग तय करी थी, अगर इसमें बुधवार तक कोई आशा लगती है काम होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके सारे पूरे शहर से अपील करूंगा, मेरा सहयोग करो, नगर पालिका माओ इन अधिकारियों से काम करवाओ, नहीं करते तो अपने घर बैठे, हमें नगर पालिका हमारी कब भाई कल बुधवार कल मीटिंग होगी उसमें पता चल जाएगा, रुझान दीदी साहब रुझान तो पता चल जाएगा, काम होने की प्रक्रिया नजर आती है कि नहीं आती वो पता चल जाएगा, एस्टिमेट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपसे भी शहरवासियों से अपील करता हूँ, मेरा सहयोग करो, मैं आपके साथ हूँ, चाहे नगर पालिका में नगर पालिका खिलाफत करनी पड़ो मैं जब भी आपके साथ रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। नहीं हो रहा है और लोग जो है प्रदर्शन करने पहुंच गए, घेराव करने पहुंच गए, क्या कहेंगे आप पार्षद हैं? लोगों का दर्द जायज है, आचार संहिता जैसे ही खत्म हुई थी हमें भी उम्मीद थी कि काम जल्दी होंगे। हम सभी पार्षद और चीफ खुद हेडक्वार्टर गए थे, डीएमसी से मुलाकात की, उनको बताया और डीएमसी में भी उसी टाइम संज्ञान लेते हुए 11-18 बाजार की सड़क, डोर टू डोर का टेंडर और शहर के सुंदरीकरण के लिए जेई साहब से समय मांगा। जेई साहब ने सोमवार तक का टाइम दिया था कि मैं इन सब का एस्टिमेट बना दूंगा और कल हमारी नगर पालिका की हाउस की मीटिंग भी है, हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द अब नगर पालिका में कार्य होगा। ठीक है भाई साहब जी, चेयरमैन साहब।
आज जो आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है पूरे शहर में, और यहाँ पर आके आपने आश्वासन दिया है, तो इस बारे में बताइए। देखिए, अभी शहर के अंदर लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ विकास कार्य होते नजर आएंगे। हमारे पास 2300 लाइटें आई रखी हुई है शहर के लिए, पूरे शहर के लिए। उसका हम टेंडर लगाने वाले हैं, 11 अक्टूबर जाकर टेंडर लगने वाला है। हमारे डोर टू डोर जो सप्लाई की व्यवस्था जो खराब हुई है, वो जल्दी उसका भी टेंडर लगने वाला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टूटी हुई सड़कें हमारी हैं, उसके ऊपर भी हमारा एस्टिमेट तैयार है। और एस्टिमेट करें, अब हमारी कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग होने वाली है और हाउस की मीटिंग भी होने वाली है। उसके अंदर हम अपने सभी जो प्रस्ताव है फाइनेंस कमेटी में जो रखने हैं वो, और जो शहर के अन्य विकास कार्य उनकी भी रूपरेखा तैयार करके उसमें हम हाउस मीटिंग में पास कर लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अधिकारी हमारे पास यार प्रेजेंट रहे, तो आगामी 2 महीनों के अंदर अंदर शहर के अंदर आपके लगभग जो विकास कार्य की एक तेज गति आपको देखने को मिलेगी। आप पूरे लगभग 2 साल बीत गए हैं, केवल 2 महीने में क्या परिवर्तन करेंगे विशेष? पिछले दिनों जो हुआ कि क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ इसलिए आ रही है कि जो कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ इस कमेटी के अंदर आके काम करना नहीं चाहता। जिस भी जो भी अधिकारी यहाँ आता है वो अपनी बदली के आने से पहले अपनी बदली के चक्कर में लग जाता है। उनको कहना है क्योंकि यहाँ पे कोई विजिलेंस जांच चल रही है कामों की, कोई और कुछ तरह तरह की और भी कई तरह की ऐसी जांच चल रही है कि जब वो अधिकारी यहाँ आता है तो उसके उनके सामने विजिलेंस जांच खड़ी रहती है। और उनका रिकॉर्ड, सबसे बड़ी बात है उनका रिकॉर्ड यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो वो अधिकारी जो आते हैं उनको वो उपलब्ध नहीं करा पाते उन विजिलेंस को, तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अब कुल मिला के यह है कि जो अधिकारी कम से कम यहाँ आके रुके और उसके लिए हमें ऐसा माल तैयार करने की काफी समय से हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो हमें लग रहा है कि अभी हमने अधिकारी से बात की है कि भाई आप लोग काम करो, आगे वाले समय में आपको शायद इस तरह कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हमें लग रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सभी चीजें जो टेंडर हम लगा के काम शहर में काम शुरू करवा देंगे। इस इसलिए बार तो बार अधिकारी आपका कहना नहीं मान रहे हैं, ये शिकायतें आ रही हैं और न ही कार्यालय में आ रहे हैं। जेल ना जाना पड़ेगा, तो अधिकारी यहाँ डरे हुए आते हैं। पूरे पूरे 90 विधान, जो 90 कह रहा हूँ, ये जो जितने भी हमारे नगर पालिकाएं हैं, शायद इस मामले में जितने भी हमारे जो हरियाणा के अंदर जितने अधिकारी लोग हैं यहाँ आना नहीं चाहते। ये यहाँ काम करने से नहीं, क्या जेल होती है? अब उनको लगता है ना, क्योंकि यहाँ हुई है, यहाँ विजिलेंस जांच चल रही है, यहाँ पिछले दिनों भी सेक्टर हमारा जेल में गया है और भी कई तरह की जांच चल रही है। तो यहाँ अधिकारी भ्रष्ट है, कंप्लेन ज्यादा होती है। एक जेई है जो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं जी, और उस बड़ी महंगी गाड़ी लेके आता है, तो क्या वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार की झलक है या उसको लेकर क्या कहना? इसमें कोई कोई आदमी सुनने में हमें भी आता है कि पैसे लिए, लेकिन सामने आके कोई भी इसकी कंप्लेंट करना नहीं चाहता कि भाई मेरे से पैसे लिए हैं। कोई तो नहीं कहता कि पैसे देख देख के चले जाते हैं या देते हैं, या जो कोई तो सामने आए ना कि मैंने पैसे दिए हैं, ऐसा कोई नहीं। जब भी हम कंप्लेंट करते हैं, मान लीजिए किसी कुछ अधिकार की बात बताते हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही है, तो उनका तो यही कहना होता है कि भाई आपको हमें सबूत दो, या कोई ऐसे एक ऐसा आदमी लाओ सामने जो ये कहे कि मुझसे पैसे लिए। लिखित में कंप्लेन, लिखित में कोई कंप्लेन देना नहीं चाहता। आप चेयरमैन हैं तो ऊपर अधिकारियों को आपने अवगत करवाया है, क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही ऊपर? नहीं, हमने जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने जितने उच्च अधिकारी हैं, जो चाहे वो DMC हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर हैं या हमारे मंत्री जी, यहाँ तक कि हमने CM साहब को भी अपने शहर की समस्याओं से अवगत करवा दिया है। और उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द, पिछले दिनों हमारे जो आदरणीय रामविलास जी शर्मा है वो भी CM साहब से मिल के आए, और लगता है कि जल्द ही हमें शहर में आपको विकास कर देखने को। क्या सरकार अधिकारियों के खिलाफ लगाम नहीं कर पा रही? अभी सरकार ये तो आने वाला, अभी तक जो हमने देखा है कि अधिकारी काम रियल में ऐसा है कि काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से अधिक, लेकिन अब लगता है कि वो अधिकारियों पर अब लगाम कसने जा रही सरकार है।